बिग बॉस ओटीटी 2 में शामिल अभिनेत्री फलक नाज ने शो में अपने भाई शिजान खान की सह अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत के बाद जेल जाने की परेशानी भरी जिंदगी के बारे में बताया। शो के लेटेस्ट एपिसोड में भावुक होते हुए फलक ने अपने भाई के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके भाई के जेल जाने के बाद उनके परिवार को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी। बता दें कि फलक ने कहा कि मैं कभी भी अपने परिवार के साथ खड़े होने और उसकी रक्षा करने का श्रेय नहीं लेती। छोटा भाई शाबी केवल शेजान के बारे में पूछता रहता है। जब वो सलाखों के पीछे था, वो और उसका परिवार शाबी को ये नहीं बता सके कि शेजान कब वापस आएगा। एक बार शाबी शेजान से मिलने जेल गए थे। शबी ने खिड़की की दूसरी तरफ रहकर शेजान से फोन पर बातचीत की थी और रोते हुए उन्होंने शेजान से पूछा था कि तुम घर कब आ रहे हो। फलक ने कहा कि लोग कहते रहते हैं कि इसके कर्म ही खराब है, इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं यहाँ शो में अपने परिवार की छवि चमकाने आई हूँ, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि शिजान को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो कथित तौर पर अपने अली बाबा दास्तान ए काबुल की सह कलाकार तुनिशा को डेट कर रहे थे, जो शो के सेट पर मृत पाई गई थी। शिजान को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। आपका फलक के इस बयान के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।